सभा में उठाया था प्रश्न के जरिए सीईटी के ऊपर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो सच्चाई के अंदर कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट जो है बच्चों के लिए बन गया है। बेरोजगारी की दर जो है लगातार बढ़ती जा रही है और 2019 से लेकर अब तक कोई भी मेजर जो है नौकरियां जो है नहीं दे पाई है सरकार। 2 लाख से ज़्यादा जो है नौकरियां लंबित पड़ी हों, तो उसके चलते हुए मैंने ये प्रश्न रखा था कि उन एजेंसीज के खिलाफ जिन्होंने ये बार बार जो है जहाँ पे रेपिटेशन हो रहे हैं क्वेश्चंस के, जो है बार बार रूल्स अमेंड हो रहे हैं और ये जो सारी अनियमितताएँ हुई हैं, जो ये चार वो जो है कितने बच्चे जो हैं 3,59,000 जो हैं जीते हैं, मतलब पास कराए उन्होंने, और उनके ऊपर जो है वो लगा दिया है कि ओनली 4% विल बी कॉल्ड, तो वो बाकी कहाँ जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न मैंने रखे और मेरे को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि विधानसभा के अंदर सदन पटल के ऊपर ये बात कही गई कि कोई प्यूनिटिव एक्शन उनके खिलाफ, इन एजेंसी के खिलाफ जिसने ये इस तरह से गलत काम करा, ये बार बार रेपिटेशन करा है क्वेश्चंस का, उनके खिलाफ कोई नहीं लिया जाएगा। HSSC भी जो है इसके अंदर जो जिम्मेदार है उसके उनके प्रति भी जो है कोई भी ऐसी बात नहीं कही और ये कहा गया कि सब ठीक है, कोई गलत काम हुआ ही नहीं। तो अब ये हरियाणा की जनता सारा अच्छी तरह से देख रही है कि असलियत के अंदर ये सरकार क्या कर रही है। इंडिया अलायंस जो है वो आप जानते हैं बीजेपी को बाहर करने के लिए बनाया गया है और कोई भी पार्टी उसके अंदर सम्मिलित होकर और जो है लाइक माइंडेड प्रोग्राम के अंदर आती है तो उसका हम वेलकम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। और कोई बात?